आइए आज हम गिलकी की सब्जी कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। ये मैंने 1 केजी गिलकी लिया है, इसको रेडुआ भी बोलते हैं कई लोग। और इसको फ्राई करने के लिए हमने आधी कटोरी से ज्यादा रिफाइंड तेल लिया है, 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा आधा चम्मच हल्दी, 4 बड़े प्याज, 1 टमाटर, 1 पोथी लहसुन और ये 6 हरी मिर्च। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये तेल गर्म हो गया है, इसमें सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। इसके बाद लहसुन डालेंगे, इसके बाद हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का लाल होने तक हम भून लेंगे। ये देखिए प्याज अब हमारी हल्की हल्की लाल होने लग गई है, इसी समय हमको हल्दी नमक डाल देना है। इसको थोड़ा सा चला दीजिए, हल्दी भून जाती है तो उसका स्वाद अच्छा आता है। अब इसके बाद टमाटर डाल दीजिए, प्याज बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है इसमें गिलकी के लिए। और अब हम गिलकी भी डाल देंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिला के और फिर ढक्कन ढककर इसको पकाना है। इसमें पानी भी छोड़ता है बहुत ज़्यादा, इसको पकने में टाइम लगता है, तो पहले आप धीमे आंच में इसको पकाइए ताकि इसका पानी पूरा अच्छे से बाहर आ जाए। तो इसको हम लगभग 10 मिनट के लिए धीमी आंच में पकाएंगे। ये देखिए अब इसमें ये पूरी तरीके से पानी बाहर आ चुका है गिलकी का। अब हम इसको तेज गैस करके इसको पानी इसका जब तक खत्म ना हो जाए तब तक भून लेंगे। ये देखिए इसका पानी खत्म हो चुका है और ये अब हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आइए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसमें हल्का सा पानी रहने ही दिया था, किसी को यदि नहीं पसंद है तो और थोड़ा देर भूंज लें, पर यह हल्का इसका गिलकी का पानी रहता है तो और अच्छा लगता है स्वाद। इसको बनाकर देखें, खाकर देखें और यदि आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।